हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो कल मैंने आपको यूरोपियों का आगमन बताया था, सिर्फ हल्का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, एक स्टोरी वाइज। आज यहाँ पे हल्का स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और एक नई शुरुआत के साथ फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको कल वाला जो वीडियो बताए थे, जो टॉपिक बताए थे, उसको यहाँ पे रिविजन कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल वाला याद आ जाए। मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि ये आपका भारत है हमारा, ये यूरोप है। यहाँ पे बताया था कि मेडिटेरियन सी है, ठीक है, वर्ल्ड मैप होगा थोड़ा सा, इंडिया मैप है, इंडिया मैप है ना, कहीं होगा वर्ल्ड मैप, चलो कोई बात नहीं। तो बताया थे हम कि मेडिटेरियन सी है, उसके तहत व्यापार होता है, एक लाल सागर, लाल सागर से व्यापार होता है, और लाल सागर से फारस जो स्टेट है, फारस की खाड़ी, उससे व्यापार होता है। और जो व्यापार हमारा है बहुत पुराना व्यापार है, यानी आरंभिक शताब्दी सिकंदर एवं डेरियस के समय से, और बोला जाए तो उस वक्त यूरोप में रोमन साम्राज्य था, याद है, उम्मीद करते याद आ रहा होगा, रोमन साम्राज्य था ये, रोमन साम्राज्य, और व्यापार चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसी क्या स्थितियां बन जाता है और क्या परिस्थिति बन जाता है कि यहां से जो भूमध्य सागर से व्यापार होता है, लाल सागर से जो व्यापार होता है, यानी भारत से जो यूरोप के बीच में व्यापार होता है, वो अचानक बंद हो जाता है व्यापार होना। ऐसी क्या परिस्थितियां बनती है कि व्यापार अचानक होना बंद हो जाता है और एक समुद्री रास्ता की खोज होने लगती है, यानी वैकल्पिक रास्ता की खोज। पहले होता था असल के माध्यम से, और ये जो मेडिटेरियन सी था होता था उससे भी, फारस की खाड़ी लाल सागर से होता था, लेकिन अचानक व्यापार बंद हो गया। ऐसी क्या स्थितियां हो गई और परिस्थिति हो गई कि यूरोप वासियों को एक वैकल्पिक मार्ग यानी समुद्रिक रास्ता की खोज करना पड़ गया, ऐसी क्या स्थितियां। तो यही स्टोरी हम यहाँ पे आज बता रहे हैं। तो कल का याद आ गया, वहां पे रोमन साम्राज्य था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, लाल सागर, फारस खाड़ी से होते व्यापार होता था, लेकिन अचानक व्यापार अवरुद्ध हो गया। अब क्यों हो गया यहाँ पे हम बताएंगे, तो आइए जानते हैं, ठीक है। मिस्टर लगता है कहीं, अब देखो यूरोपियों का आगमन जो पार्ट टू आज हम वीडियो में भी रहेगा, यहां पे आप भी समझ लोगे। जो मध्यकाल है, मध्यकाल कहने का मतलब जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो, कोई तीन अंक हो गया, और एक एवं तीन के बीच में पूछा जाए कि मध्य कौन है बीच में, तो दो है। जैसे कि ये दो पेन है और पेन के बीच में ये है, तो डस्टर क्या हो गया, मध्य हो गया, यानी बीच हो गया। तो उसी प्रकार मध्यकाल मान लिया जाता है, जैसे आरंभिक शताब्दी, पहली शताब्दी हम मान लेते हैं, अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है तो मध्यकाल हम मान लेते हैं। तो जो 7वीं शताब्दी है, आपको बताया था हम शताब्दी, इसमें बताया था ना, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, तो 7वीं शताब्दी रहता है मेरे भाई। 7वीं शताब्दी मतलब समझ रहे हो, 600 से 699, 7वीं शताब्दी हो गया। उस समय क्या होता है कि इस्लाम, इस्लाम मतलब समझते हो, मुस्लिम, जो इस्लाम धर्म है वो क्या होता है, वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत बना लेता है। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो इस्लाम का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का स्थापना करते हैं, ठीक है। अब इस्लाम धर्म का स्थापना करते हैं तो उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई मध्य वर्ग का लड़का, सोच लो कि अगर कोई कहता है मध्य वर्ग का लड़का जो मिडिल फैमिली का है, वो कहता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे या कहता है हम आईएएस बनेंगे, तो उसको बहुत लोग दबाने का कोशिश करता है कि अरे तुम कहा कलेक्टर बनोगे भाई, तुम आईएएस बनोगे, घर में खाने का पैसा नहीं है, तुम कर रहे हो, बाप मर गया अंधेरे में, बेटा कर रहा है तमाशा। ये सब बहुत डायलॉग बाजी चलता है गांव में बहुत ज्यादा,
हर कोई चाहता है कि चलो भाई गरीब आदमी है तो इसको दबा दे। तो इस्लाम धर्म का अभी भी तुमका तो गांव है कि भैया हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे, तो एक माहौल सा बन जाएगा, लोग कहेंगे अरे यार क्या तुम यूपीएससी की तैयारी करेगा, आईएएस बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, फर्जी इसी बोलते रहता है, ये सब तामझाम बहुत गांव में होता है बहुत। तो उस वक्त क्या होता है कि दम से लिंक करना है इसको, जो पैगंबर मोहम्मद साहेब रहते हैं वो इस्लाम धर्म का स्थापना करते हैं। अब किसी चीज को स्थापना करते हैं तो उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो रोमन साम्राज्य रहता है वो काफी सामंती रहता है। सामंती कहने का मतलब है मेरे भाई रूढ़िवादी। कल रूढ़िवादी का मतलब बताया था ना, पुरानी परंपराओं को नया विचार उत्पन्न नहीं होने देता है। मतलब नया विचार उत्पन्न करने का मतलब नहीं बताया था कि हम जींस पहने तो ठीक और बहन जींस पहने तो गलत, हम पढ़ने जाए तो ठीक बहन बाहर पढ़ने जाए तो गलत। ये क्या पुरानी सोच परंपरा है, जात पात उच्च नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा था। और उसमें हिंदू धर्म जो था भारत में सनातन धर्म आपका, इसमें भी स्थिति बड़ा जर्जर था। यहां तो स्थिति और जर्जर था, दलित शूद्र ब्राह्मण इतना ज्यादा बांट दिए थे, मतलब लोअर कास्ट इतना डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था कि उसको कोई मतलब बता तो रहे ना कि कोई पानी लाकर नहीं देता था, गली मोहल्ला में उससे कोई मतलब बोले छुआ छूत का भावना था कि नीच जाति का है भाई मत छुआ, इस टाइप का ब्राह्मण लोग मानसिकता बना दिए थे। तो मैं उसको बोला जाता है आडंबर एवं कुरूतियां। तो उसमें हिंदू धर्म में भी इसको हिस्ट्री भाषा में बोला जाता है आडंबर एवं कुरूतियां। तो उस समय मेरे भाई हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आडंबर कुरूतियां था और आपका ईसाई धर्म में भी था। आपका यूरोप यहां पे है और भारत यहां पे है। बात को समझ रहे हैं यहां तक? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई डाउट? तो आगे बढ़ाए हम। तो बहुत ज्यादा यहां पे भी आडंबर कुरूतियां थी, मतलब जात पात यहां पे भी बहुत ज्यादा, मतलब पुरानी सोच से परंपरा था, नए विचार को उत्पन्न नहीं होने देता था। तो ये मतलब कि इस्लाम में और मतलब हिंदू में सिर्फ चल रहा था, रोमन में ना यूरोप में कहीं अभी कुछ नहीं चल रहा है। अभी नहीं चल रहा, अभी कहीं कुछ नहीं चल रहा। बस समझो कि यूरोप में एक रोमन साम्राज्य है और भारत में हिंदू धर्म जो है बहुत पुराना सनातन धर्म है, नया धर्म नहीं है ये, सिंधु सभ्यता से बहुत पुराना धर्म है। लेकिन बीच में एक जो इस्लाम धर्म है, पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का स्थापना करते हैं बीच में, जैसे कि हम और आप है, इसी बीच में कोई बच्चा यहां पर आ जाए और नया क्लास स्टार्ट करते, तो क्या हो गया, नया क्लास स्टार्ट कर दिया। तो सेम वहीं पर इस्लाम का जो पैगंबर मोहम्मद साहब है स्थापना करते हैं सातवीं शताब्दी में, मतलब 600 से 699 अब स्थापना करते हैं। तो इस्लाम जो पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का स्थापना करते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो कहते हैं सभी लोग समान हैं, कोई उच्च जात नीच जात नहीं है, सभी लोग आइए हम सभी को बराबर सम्मान देंगे। तो इससे क्या हुआ, यह गुस्सा होगा कि नहीं, अगर आपने बोला कि भैया हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो जो आपसे जलने वाले लोग हैं चाहते हैं कि ये नीचे रह जाए आगे ना बढ़े, तो क्या करेंगे, रोकने का कोशिश करेंगे कि अरे तुम कौन सा कलेक्टर बनोगे भाई, रुको, रोकने का कोशिश करेंगे। यहां तक कि आपका दोस्त रोकने का कोशिश करेगा जो जलेगा कि अरे यार इसको रोक लो। बात को समझ रहे हो? तो इस्लाम धर्म का जो पैगंबर मोहम्मद साहब करते हैं तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोग दबाना चाहते हैं लेकिन ये रुकते नहीं, खुद को एक सैनिक के रूप में भी, खुद को रक्षा के रूप में भी अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। अभी अपने धर्म को आगे बढ़ाए, धर्म आगे बढ़ते जाता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब की फिर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहां पे आता है उनका उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी के यहां मामला अलग है, शिया और सुन्नी में बढ़ जाता है, उसका अलग टॉपिक और लंबा टॉपिक चलाया जाएगा, उरमान और फिर मोहम्मद अली जो होते हैं, ब्लड रिलेशन, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम बताएंगे कभी, इस्लाम धर्म का जो उदय बताएंगे ना एंशिएंट में तो बताएंगे। तो इस्लाम धर्म का जो उत्तराधिकारी रहते हैं उनको खलीफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खलीफा। अब यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की हो गया मृत्यु, ठीक है, अब यहाँ पे इनका उत्तराधिकारी जो आते हैं उनको बोला जाता है खलीफा। खलीफा, थोड़ा सा गौर करना मेरे भाई, ठीक है, खत्म हो गया ये। अब उनको बोला जाता है खलीफा। अब ये खलीफा क्या करते हैं कि बहुत तेज से मतलब प्रचार, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं,
जो पैगंबर मोहम्मद साहब वो जिहाद का नारा देते हैं, जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है, तो अब ये जिहाद का नारा देते हैं और खलीफा सब क्या करते हैं, बहुत तेज से प्रचार प्रसार करते हैं। मतलब बोला जाए तो यहाँ एक टर्की देश है, टर्की है, उसको तुर्की बोलते हैं, अब टर्की बोलते हैं, अब टर्की है बीच में यहाँ पे मेडिटेरियन के पास, ये ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है, लोकेशन दिखा देंगे हम। अब यहाँ पे टर्की देश जो रहता है, यहां से लेकर आपका ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो इस्लाम है वो जनजाति लोग था, वो इस्लाम था नहीं, मतलब शुरू से इस्लाम मुस्लिम नहीं था। तो जब उनका खलीफा जो आते हैं, इस्लाम धर्म का बड़ा तेज से प्रचार करते हुए इधर से जब मध्य एशिया की तरफ यानी भारत की तरफ मूव करते हैं इधर से, तो सबको इस्लाम में तब्दील कर देते हैं, मतलब सबको इस्लाम कबूल करवा देते हैं, इस्लाम कबूल कर लेता है। यहाँ जनजाति लोग जो अफगानिस्तान में है वो भी इस्लाम को कबूल कर लेता है। अब कबूल कर लेता है तो इस्लाम धर्म एक ग्लोबल शक्ति रूप में हो गया, मतलब ग्लोबल शक्ति कहने का मतलब है एक बड़ा शक्ति के रूप में उभर गया, बहुत अच्छा पॉपुलेशन हो गया, बात को समझो यहाँ पे। अब बहुत ज्यादा इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया तो जनसंख्या भी ज्यादा हो गया, तो जो यहाँ पे व्यापार होता था अब यहाँ पे किसका कब्जा हो गया, यानी इस्लाम का, खलीफा का। अब कब्जा हो गया तो जो बार बार हम रोमन साम्राज्य बोल रहे हैं, तो रोमन में एक पूर्वी रोमन रहता है, एक पश्चिमी रोमन रहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिमी रोमन, एक पूर्वी रोमन। जो पूर्वी रोमन में रहता है मेरे भाई, बाइजेंटाइन साम्राज्य वहां पे रहता है, क्या रहता है, बाइजेंटाइन। समझ में आ रहा है यहां तक ना, स्टोरी है तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है भाई, बस। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य रहता है। अब जो इस्लाम रहता है उसको बोलते हैं ऑटोमन तुर्क, तुर्क वो क्या करते हैं कि इसको हरा देते हैं, यहां पे कब्जा कर लेते हैं इस्लाम का। अब जो यहां पे इसको बोलते हैं एक क्षेत्र, उसका नाम बोलते हैं कस्तुतुनिया, कस्तुतुनिया एटलस है, एटलस अच्छा दिखा देंगे मतलब क्लास के बाद दिखा रहे हैं। एक होता है कस्तुतुनिया, देखो जैसे कि ये भारत है, ये यूरोप है, यहाँ पे बाइजेंटाइन साम्राज्य है, यहाँ पे टर्की है, कस्तुतुनिया क्षेत्र है यहाँ पे। अब यहां से व्यापार हो रहा है, भारत आ रहा है ना, समझो यहाँ पे इस्लाम धर्म का कब्जा हो गया। अब इसके साथ ना लड़ाई हुआ है तो टकराव तो स्वाभाविक रहेगा, अब टकराव रहता है तो ये कहता है इस्लाम की भैया हम आपको इधर नहीं आने देंगे, कहता हम आपको इधर नहीं आने देंगे। अब यहां हो गया बंद। अब ये जो यूरोप है, अब जो यहां पे यूरोप है, ये भारत है, अब यूरोप यहीं तक सीमित रह गया, अब यहां पे आ नहीं पाता क्यों, यहां पे बैठा हुआ कौन, इस्लाम धर्म जो इस्लाम धर्म खलीफा बैठा हुआ है सब, जो मध्यकाल में व्यापारी यहां पे बैठ गया, अब यहां पे जब आने नहीं देगा तो यहां पे कैद हो गया कि नहीं, अब इस यूरोप यहीं तक रह गया, कैद में मतलब एक तरह से अपना क्षेत्र में रह गया। अब इसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन क्या होता है ना कि उस वक्त मसालों का बड़ा ज्यादा मांग रहता है, हम बताए थे ना कि मसालों का बहुत ज्यादा मांग रहता है भारत से, यूरोप में मसाला उतना होता नहीं है, तो अब करे तो क्या करे। और उस समय एक्चुअली होता क्या है कि वहां पे कृषि का विकास होता है, कृषि का विकास का मतलब जो कृषि है धान गेहूं का विकास होता है, तो जब धान गेहूं का विकास रहता है तो जानवर को जो खाने के लिए मिलता है उसका कमी हो जाता है, क्यों, खाने के लिए जाने लगते हैं, तो वहां पे जानवरों का वध होने लगता है, जानवरों का वध मतलब पशुओं का मृत्यु, काटना शुरू कर देता है यूरोप वाला, हाँ मतलब काटने का मतलब उसको मीट के रूप में खाने लगता है। उसमें फ्रीजिंग का व्यवस्था था नहीं, तो मसाला जब लगा कर रखता था दो तीन दिन तक रह जाता था, बात समझा, तो मसालों का बहुत ज्यादा मांग था यूरोप में, बहुत ज्यादा, तो करे तो क्या करे। तो इसमें एक देश है स्पेन और पुर्तगाल, बार बार बोल रहे थे स्पेन और पुर्तगाल, देखो मेरे भाई ठीक है वहां पे जाओ। अब देखो सबसे लास्ट में यूरोप लिखा हुआ है वहां पे, यूरोप स्पेन और पुर्तगाल होगा वहां पे नीचे, हाँ। नीचे दम नीचे ये स्पेन मिल गया और पुर्तगाल भी है बगल में, पुर्तगाल मिल गया, स्पेन और पुर्तगाल है,
अब हल्का हल्का हाथ हाथ के आगे बढ़ाओ, कौन साइड आगे बढ़ाओ, दायां साइड, दायां साइड, दायां साइड बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते और बढ़ाओ, हल्का ऊपर ले जाओ। टर्की मिला? हाँ मिल गया। फिर ऊपर ब्लैक सी है? हाँ मिल गया। मेडिटेरियन सी है? मेडिटेरियन सी वहीं पे होगा। और टर्की के नीचे मिल जाएगा कुस्तुतुनिया, देखो मिल जाएगा। हाँ कोई बात, लेकिन आसपास वहीं पे है। ठीक ठीक। अब व्यापार बंद हो गया वहां पे, ठीक वहीं पे अभी रहो। तो अब क्या होता है, जब व्यापार बंद हो गया और मसालों को बहुत ज्यादा मांग था कहां से, भारत से, भारत से, तो अब भारत से जा पाएगा? वहां पे अरब का व्यापारी बैठा हुआ है, जा सकता है? नहीं नहीं, नहीं जा सकता है। नहीं। तो यूरोप का जो आदमी यूरोप में ही कैद हो गया। तो वहां के जो राजा है जो कहते हैं भैया अब नया रास्ता का खोज करो, नया रास्ता कहने का मतलब वैकल्पिक मार्ग। तो अब क्या करता है कि स्पेन से कोलंबस 1492 ईस्वी में, स्पेन पे हाथ रखो, स्पेन से कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका की तरफ जाता है। देखो इधर अमेरिका की तरफ मुड़ो, मुड़ो कौन साइड, अमेरिका ये, हाँ हाँ मुड़ो, लेफ्ट साइड है ना अमेरिका, हाँ लेफ्ट साइड है अमेरिका, लिखा है ना, नंबूरा ले जाओ हाथ को, गया पहुंच गया अमेरिका, हाँ ये है मिल गया। हाँ। अब जो है अब पुर्तगाल पे हाथ रखो, पुर्तगाल, अरे स्पेन के बगल में अभी तो पुर्तगाल रखा ना भाई, ये है पुर्तगाल, हाँ तो पुर्तगाल इतना सोचता का है, दिमाग को एक जगह रखो, ठीक ठीक। अब पुर्तगाल है, अब पुर्तगाल क्या किया कि ऐसे घूमते हुए दम नीचे घुमाओ, नीचे हाँ ऐसे घूमते घूमते दम देखो, हाँ देखो घूमते घूमते और घुमाओ, कहां तक समुद्र से जाएगा घुमाओ, अब भारत पहुंचाओ उसको, भारत पहुंचा पुर्तगाल। अब पुर्तगाल से 1498 में ईस्वी में पहुंचता है कौन, वास्को डी गामा, 1498 में, 1492 में पहुंचता है कोलंबस अमेरिका की ओर। अब भारत पे पहुंचता है तो उसका एक जो गुजरात व्यापारी रहता है, अब इधर देखो अब्दुल मनीर, बैठ समझ गया ना मैं आपसे, अब्दुल मनीर सहयोग करता है। अब केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरता है, केरल जहां पे हाथ रखा था ना तुम, वहीं पे केरल था, केरल की कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा उतरता है। यहां से मसाला ले जाता है, अब मसाला ले जाता है तो कहा जाता है कि जब बेचता है तो 60 गुना फायदा होता है, बात को समझे। अब जब 60 गुना मसाला का फायदा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम बंबई गए हैं, दिल्ली में है, अगर दिल्ली से हम घर पे जाते हैं कमा कर बहुत सारा, तो और मेरे गांव का भी सोचेगा कि भैया हम भी आए और कमाए, सोचेगा ना कि हम भी कमाए खूब पैसा, आखिर क्या ऐसा किया कि कमाया। तो और भी व्यापारी आने लगते हैं, तो पुर्तगाल आते हैं, एक हॉलैंड का नाम सुना होगा, नीदरलैंड जो मैच खेलता है, नीदरलैंड आते हैं, फिर आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब लंदन जो है, फ्रांस, डेनिस, सब आते हैं व्यापार करने के लिए। कल फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि पुर्तगाल का कैसा कैसा रहा, डच का कैसा रहा, ब्रिटेन का कैसा रहा, डेन का कैसा रहा, फ्रांस का कैसा रहा, स्वीडन का कैसा रहा, सबको बारी बारी हम बताएंगे। आज इतना तक ही हम आपको सीमित करते हैं। एक चीज हम इसमें बताना कि जो इस्लाम धर्म का प्रसार है अफ्रीका तक हो जाता है, अफ्रीका देख लिया, पश्चिम एशिया तक, पश्चिम एशिया कहने का मतलब इधर, ठीक है, मध्य एशिया समझ ही रहे हो, दक्षिणी एशिया समझ गए हैं, दक्षिण पूर्व एशिया समझ गया ना, तो दुनिया पर अरब व्यापारी को क्या हो जाता है, नियंत्रण, बस खत्म। अब कल से हम बताएंगे कि यहां पे आने के बाद उसका क्या क्या कारनामा होता है। तो आज तक यही सेशन समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।